हेलो दोस्तों, मैं सोनी जोशी स्वागत करती हूँ आप सबका। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और हम भी अपने परिवार के साथ में बहुत अच्छे हैं। अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और हम छत में आ रखे हैं और क्या कहते हैं, मैं एक पौधा खरीद के लाई थी कल। ये पौधा है गुलहर, गुलहर क्या बोलते हैं सर, गुलहर का पौधा बोलते हैं ना सर, इंग्लिश में बोलते हैं हिबिस्कस। कल हम गए थे बाजार में मार्केट में सामान लेने, तो ये पौधे वाला बैठा हुआ था वहाँ पे। वो बोल रहा था कि हम जो है जमुना जमुना के किनारे पे मतलब रहते थे, वहीं पे अपने पौधे वगैरह बेचते थे और पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से जो है उनके सारे पौधे वगैरह ख़राब हो गए, तो अब वो यहीं पे लगा रहे हैं बेचारे जो है पौधों को। तो मैं उससे ख़रीद के लाई थी, तो मैंने कहा ठीक है, एक आध पौधा मैंने और मंगा रखा है, अगर वो ले आएगा तो उसे भी मैं ख़रीद लूँगी। तो हम ये पौधे लगाते हैं। ये है पौधा जो हम लेके आ गए ऊपर, और ये किचन वेस्ट है, सब्जी फल वगैरह के छिलके ये खाद बनाने के लिए यूज़ होते हैं। ये देख रहे हैं, गमला ढूंढ रहे हैं किस में लगाएंगे। वैसे तो ये है एक, इसमें लगा देंगे। बारिश के देखो पौधे कितने अच्छे खिल गए हैं बारिश की वजह से। ये इसकी खाद बन गई क्या? वरना ये डाल दो नीचे से, नीचे ये डाल देते हैं अगर इसकी खाद बन गई तो। ऐसा ना हो पौधा वो बनी नहीं खाद। नहीं सिक्कत क्योंकि आजकल वो ऐसा मौसम है ना। अच्छा, जल ना जाना बहुत देर सब। ये है बैंगनी कलर की असमी मिर्च। असमिया तीखी नहीं है लेकिन ज्यादा मैंने खा के देखी थी उस दिन। ये तो कोई मिर्च तीखी लगती क्या? तो तीखी नहीं लगी, तो फिर जबरदस्ती बोलोगे तीखी है। सोलापुर की कोलापुर तनी का एक तगड़ी मिर्च है ना जी, ऐसे ही ऊपर से दबाने पड़ेंगे वो। एक क्यारी तुमने इसी के लिए रखनी चाहिए, इतने मैंने तुम्हें पहले भी बोला था। वो इसकी जड़ कैसे निकल रही थी बाहर अजीब तरीके से। की भली ये साड़ी मेरी की भलो संडेला, ओ बुतड़ी जैसी मैं कस के ही टोला, रोज कच कचानी करा तू। ये इसकी जड़ अजीब तरीके से निकल रखी है, जैसे अदरक उगता है ना। ये इसका पौधा है ये है सीताफल कद्दू। ऐसी मिट्टी लगा काली काली, ऐसी मिट्टी पाई जाती है भाई, यमुना के किनारे। और क्या, वहीं की तो मिट्टी से बनाएंगे, और क्या वहीं करते ना सब ये आराम से।50 रुपए का पौधा है ठीक है फिर मैंने उससे बोला कुछ कम कर दे पौधा कहता कि कह रहा चलो 40 का ले लो फिर मैंने बोला दो तुमसे तो इसे 40 वो पौधा दे दो मतलब फिर उसने मैंने कहा कि 50 रुपए दे देते मतलब पहले मैंने कम कराया फिर मैंने पूरे पैसे 50 रुपए दे दिए वो मुझे 10 रुपए लौटा रहा था मैंने कहा भैया रहने कोई बात नहीं तू 50 रुपए ही ले ले वो सोच रहा होगा कि कम करा के बाद भी कोई मतलब ऐसे करता है क्या। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। पहले लगा दो मिट्टी बाद में डालेंगे।
हाँ मतलब मिट्टी तो फिर अभी डलेगी बाद में क्यों? गैस को मैंने रख दिया इसमें, इस तरह से इसमें इसकी मिट्टी डाल देती हूँ। चिड़िया कैसे पेड़ पे बैठी हुई है? कहाँ पेड़ पे? ये नीम के पेड़ पे है? नहीं दूर पता नहीं कहाँ पे। उड़ गई। सब में पौधे लगाओ तो अच्छे खिल जाते हैं वो। सबसे बेस्ट मौसम है ना ये पौधे ट्रांसफर करने के लिए, नए लगाने के लिए ना। और ये जो पौधा है ना, ये बहुत बहुत काम का पौधा होता है। ये गुलहेल का पौधा बोलते हैं इसे। इसमें लाल फूल आते हैं और क्या कहते हैं, और भी कलर का होता है, मतलब पिंक और अलग अलग तरह का भी होता है, लेकिन मैंने लाल फूल वाला इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है इसके पत्ते और इसके फूल जो है वो काम आते हैं, मतलब पत्ते बालों के काम आते हैं, हमारे स्किन के काम आते हैं, इसलिए मैंने रेड फूल वाला लिया है। मुझे अपने पड़ोसियों से मांगना पड़ता था इसलिए मैंने अपने घर पे ही लगा लिया। क्यों जी? हाँ बढ़िया। कब तक मांगते रहेंगे दूसरों से बार बार? खुद ही लगा लो अपने लिए, बस बहुत है। फिर दूसरों को भी देते रहो। ठीक है, और डालने डाल लो मिट्टी तो। और है नहीं, फिर इसमें बाद में वो भी करेंगे ना, जैसे खाद जब बन जाएगी तो। थोड़ा सीधा नहीं हुआ, टेढ़ा सा नहीं हो गया पेड़? इधर को ज्यादा रखना पड़ेगा ना, तुम्हें मिट्टी दबा के थोड़ा। ठीक है कोई नहीं, बस थोड़ा सा पानी डालो उसमें, हल्का सा। खरपतवार भी हटा दो वहां इसकी। ये खरपतवार हो गई यहां पे, ये खरपतवार है पुदीने में हो रखा है, इसे मैं हटा देती हूं, वरना ये पुदीने को होने देगा, खुद ही बढ़ता जा रहा है। ध्यान से उसको काटना, से पानी डाल दो उसमें थोड़ा। पानी लेके आता हूँ मैं, यहाँ पे बारिश का पानी हमने स्टोर करके रखा रहता है यहाँ पे। ये बारिश आती है और ये छत में पाइप लगा हुआ है, तो जो वेस्टेज पानी जो भी गिर रहा है फिर वो नीचे यहाँ पे इसमें डलता रहता है, यहाँ पे भरता रहता है, तो उसका भी यूज़ हम कर लेते हैं, फिर तब आराम से चल जाता है काफ़ी दिन तक बरसात के मौसम में। तो लो पानी ले आया मैं, पानी डालो। बस बहुत है, वैसे गीला और का काफी तो पहले से। ठीक है ना, जो कम धरण कड़ी पत्ता ले दे। क्यों ले रहे हो कड़ी पत्ता? बताते नहीं बताते, सबर करो। होता क्या इससे पर? क्या बाल टूटते हैं? फिर अच्छे होते हैं? अच्छे होते हैं, अच्छे नहीं इतने बाल? और अच्छे होंगे। चेहरा अच्छा नहीं है? अच्छा, कड़ी पत्ता खा करके बनाया तूने चेहरा अपना ऐसा? मनीषा देखो बिस्किट पौधा लगा दिया हमने, ये है पौधा। ये भी दिखा दो, नया पौधा लगा मैंने अभी, पत्थर चट्टा के यहाँ पे। ये इसमें पत्थर चट्टा के पौधे जो हैं अपने आप ही हो गए बीज झड़ के, और ये मैंने लगाया अभी पौधा, इसमें पानी वानी डाल दिया है। अभी थोड़ी देर वॉक करते हैं छत में, उसके जाएंगे नीचे, बनाएंगे नाश्ता पानी, अपना काम करेंगे।
तो हमने लगा दिया है पौधा, वो जब बड़ा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी उसमें फूल आएंगे और उसको कैसे यूज़ करते हैं चेहरे के लिए और बालों के लिए वो भी बताऊंगी। तो इस ब्लॉग का एंड में यहीं पे करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलूंगी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट्स भी ज़रूर करें। बाय।